वो भी इस गर्मी में। अरे सागर, अरे बेटे वहां क्या खड़े हो, आओ ना। नमस्ते अंकल। कैसे हो? ठीक हूँ। ये कविता है। नमस्ते। कविता, नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। खैर बेटे ये बताओ कि तुम्हारा सिंगिंग का प्रोग्राम कैसा चल रहा है और तुम्हारा नया एल्बम कब आ रहा है? बेटे तुम्हारे गाने हमें बहुत पसंद हैं। थैंक यू अंकल। ये राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साहबजादे ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं। तुम ये करो, तुम ऊपर जाकर उनकी उंगली में उंगली डालकर उन्हें नीचे ले आओ। जी। राकेश आए। आजा मेरे दोस्त। अच्छा वो तो आ गया। सागर अगर आज तू नहीं आता तो मैं तुझसे बहुत नाराज हो जाता। अरे कैसे नहीं आता राकेश, आखिर तेरी सरप्राइज पार्टी में आकर तुझे भी तो एक सरप्राइज गिफ्ट देना था। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ देखेगा नहीं? अरे मेरा दोस्त मेरे लिए तोहफा लाया और मैं ना देखूं कहाँ है। कविता? हाँ कविता। मैं कुछ समझा नहीं। तू समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। राकेश मैं सब जान चुका हूं, कविता तेरा प्यार है। मेरा प्यार? ये तुझे किसने कहा कि मैं कविता से प्यार करता हूं? जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर तुझे कविता से प्यार ना होता तो उस बारिश वाली रात तू उसके घर नहीं गया होता। आप कुछ बोलता क्यों नहीं, खामोश क्यों है? जब तुझे सब कुछ पता चल ही चुका है तो छुपाने से क्या फायदा। हाँ मैं कविता से प्यार करता था मगर अब मैं कविता के बारे में सोच भी नहीं सकता। और फिर प्यार तो तू भी कविता से करता है। वो प्यार नहीं है, वो तो एक समझौता है, हमदर्दी है। देख राकेश मेरी जिंदगी संवारने के लिए तू अपने प्यार की कुर्बानी मत दे, थाम ले कविता का हाथ। नहीं सागर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता राकेश? इसलिए कि आज मेरी सगाई किसी दूसरी लड़की के साथ हो रही है। तेरी सगाई? हाँ मेरे दोस्त, और यही सरप्राइज मैं तुझे देना चाहता था। नहीं नहीं राकेश, मैं तुझे ये सगाई करने नहीं दूंगा। तू किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता, हमेशा अपने प्यार की आग में जलता रहेगा और मैं तुझे इस आग में जलने नहीं दूंगा। तुझे कविता मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। ठीक ही कहा था आपने कि आप मुझे कभी बिखरने नहीं देंगे, मगर मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे इस तरह समेटेंगे कि मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। कविता प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। समझने की ही तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपने मेरे घर आकर मेरा हाथ मेरा प्यार सिर्फ इसी दिन के लिए मांगा था कि वक्त आने पर मुझे अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर सको। नहीं कविता तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हारी जिंदगी के सादे कागज पर मोहब्बत का पहला नाम राकेश का है और तुम राकेश के साथ ही खुशहाल जिंदगी बिता सकती हो। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं राकेश के साथ खुश रह सकती हूँ? मेरी जिंदगी का कागज तो मेरे ही आंसू से इतना भीग चुका है कि इसमें कल का लिखा कुछ पढ़ा नहीं जा सकता और आगे कुछ लिखा नहीं जा सकता। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। अरे कौन दूर जा रहा है भाई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तुम लोग चलो ना। अरे भाई तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो, आओ मैं तुम्हें राकेश की होने वाली दुल्हन से मिलवाता हूँ। आओ 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 ना बेटी। सपना ये है सपना, राकेश की होने वाली दुल्हन। और सपना बिटिया ये है सागर, राकेश की जिगरी दोस्त और हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर। इन्हें कौन नहीं पहचानता, ये तो अपनी आवाज के जादू से लोगों को अपना दीवाना बनाकर उनका सब चैन छीन लेते हैं। हाँ बेटी यही तो इसका कमाल है, इसीलिए मैं इसके गानों का दीवाना हूँ और आज ये अपने दोस्त की सगाई की खुशी में एक ऐसा नजराना पेश करेगा कि लोग सुनते ही अपना दिल थाम कर रह जाएंगे। तुम खामोश क्यों बेटे,
आज तो रस्मी दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी। Come, let us start the music. बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। कोई क्या पहचाने, जिसका गम वही जाने। बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने। सागर साहब, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस महफिल में ऐसा कौन सा शख्स है जो आपके लिए बेगाना हो गया? नहीं बताना चाहेंगे ना, तो ठीक है, मैं ही लोगों को बता देती हूँ कि वो बेगाना कौन है। मैं हूँ वो बेगाना, मैं हूँ वो बेगाना ना सागर साहब। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ। इन्हें जितना करीब से मैंने देखा है, शायद किसी और ने देखा होगा। इनके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा भयानक चेहरा छुपा हुआ है, जिसे देखने के बाद इंसान नफरत ही कर सकता है, प्यार नहीं। नहीं सपना जी, आप गलत समझ रही हैं। आप नहीं जानते कि आपके रूठ जाने के बाद इन्होंने अपने आप को ही मिटा डाला था। आपने तो सागर को सिर्फ ऊपर से देखा है, उसकी गहराई में जाकर नहीं देखा कि वो कितना पाक, कितना साफ है। मैं इसकी गहराई में जाकर देख चुकी हूँ। इसके अंदर गंदगी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो ऐसा इंसान है जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पूछो इससे कि सच क्या है। नहीं, नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब गलत है। वो तस्वीरें, वो एक ड्रामा था। सिर्फ सागर को तुम्हारी जिंदगी से अलग करने के लिए। मैं पैसों के लालच में आकर तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये सबका जिम्मेदार ये कमीना प्यारे लाल है। इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। हराम खोर, नमक हराम, खबर काम कोई अपनी जगह से ले तो भेजो राजू को मिस्का, खबरदार, हट जाओ मेरे। चलो निकलो, अरे चलो निकलो जल्दी से, क्यों नहीं ले चलो से, चलो। कमीने, हमें नहीं पता था हम आज तीन में सांप पाल रहे हैं। अब तो पता चल गया ना बुड्ढे। लेकिन मैं कोई मामूली सांप नहीं हूँ, इच्छाधारी सांप हूँ जो जब चाहे अपना चोला बदल लेता है। चलो 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 जल्दी से इस वसीयत नामे पर दस्तखत कर दो। हरगिज नहीं करूंगा। सुना है कि हर बाप की जान उसकी औलाद में होती है। देखते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी दौलत से। चाचू, अगर आपने सपना डार्लिंग को मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगा, विधवा। पहली बार बेवकूफ तुमने एक अकलमंदी की बात की है। फिक्र न कर बेटे, कमीने नमक हराम, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। मेरे पास मत आओ। यही तो मेरा मौका है। मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। मुझे तुमसे नफरत है बोली। ओह आई लव यू। अगर आप खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी की दुर्दशा नहीं देखना चाहते तो इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। रोक लो उसे, मैं कहता हूँ रोक लो उसे, रोक लो उसे, मैं दस्तखत कर देता हूँ। बोली रुक जाओ, ये लीजिए। सागर,
कविता